अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि भुन चुका है, बहुत अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, आधा कप के करीब हमने इसमें शामिल किया है पानी। और उसकी वजह यह है कि जब हम इसमें मसाले शामिल करें तो मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं और हमें उनको भूनना है। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे अपने जायके या टेस्ट के मुताबिक हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून। हमें इसमें शामिल कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। उसके बाद इस मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेंगे। दही को फेंट लेते हैं एक बड़े से बाउल में डालकर ताकि जितने भी उसके लम्स हैं वो दूर हो जाएं। अच्छा सा चलाना है और साथ ही इसमें शामिल करेंगे सुर्ख प्याज, 3 अदद बड़ी प्याज आपने लेनी है और उसको आपने कर लेना है सुर्ख। ये तमाम मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन के बाद। थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करेंगे, जब भी पानी शामिल करते हैं मसाला जो है वो अच्छा सा फूल जाता है। तो तकरीबन आधे से 1 कप शामिल किया है पानी। मसाले को यहाँ पर हम पकने देंगे और एक ले लेते हैं बड़ा सा बाउल ताकि दही को हमने खूब अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, वो जब भी पाए बनाते हैं बाज़ लोग उसमें शामिल करते हैं बोंग, हमने भी इसमें शामिल की है 1/2 किलो बोंग। और बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं और बोंग के बग़ैर पाए बनाते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दुम ग़ज़ा भी बाज़ लोग शामिल करते हैं, अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी लगती है और चाहते हैं कि नहीं बोंग होनी चाहिए, कुछ बोटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको शामिल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो उसके बग़ैर पाए बनाएं, वो भी बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से बनते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो पाए की होती है और जो हम मिस करते हैं, अगर ना हो तो हम कहते हैं कि पाए जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बने, कि उंगलियां जो हैं वो हमारी बड़ी स्टिकी होती हैं जब भी हम पायों को खा रहे होते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और वो आती है उसको पकाने से, जब हम उसको पकाते हैं और उसका लेस निकलता है स्पेशली हड्डियों का, तो फिर ये होता है कि हमारे शोरबे में बहुत अच्छी सी स्टिकीनेस आती है। और जब भी हम पायों को खा रहे होते हैं तो हमारी उंगलियां जो हैं वो बहुत स्टिकी हो जाती हैं। 3 पाव दही जिसको विक्स से आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि कहीं भी लम्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना हो। मीठा दही शामिल करेंगे इसमें, खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी करी जो है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। अब हम इसमें मसाले को भी चमचा चला लेते हैं ताकि मसाला हमारा बिल्कुल नीचे ना लगे, जलना नहीं चाहिए मसाले को, हल्की आंच पर पका रहे हैं। अब मसाले को भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पाए और यखनी, अभी हमने एक तरफ ही रखनी है। पाए शामिल करेंगे, पायों को भूनेंगे, लास्ट स्टेज पर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। और अगर ऐसा हो कि पायों को हम पका रहे हैं और यखनी जो है वो उसकी ड्राई आउट हो जाती है, तो आप इसमें बिल्कुल शामिल कर सकते हैं पानी। लेकिन अच्छा ऑप्शन यही है कि जब भी पायों को बॉईल करें, ज़रूर 1 बाउल के करीब यखनी जो है वो आपने उसकी रख लेनी है, ताकि लास्ट में जब आप करी बनाने जाएं तो आपने वो यखनी जो है वो शामिल कर देनी है। और उसके बाद आप अपना शोरबा तैयार कर लीजिए ताकि नान के साथ उसको इंजॉय किया जा सके। चलें, दही को यहाँ पर हमने फेंट लिया है और मसाले को हम भून रहे हैं। रिकैप आपको दे देते हैं एक दफ़ा, मसाले हमने इसमें कौन से शामिल किए हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन शामिल किया है 1 से 1.5 कप घी में। जैसे ही अदरक लहसुन पक जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, शामिल करेंगे 1/2 से 1 कप पानी, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल किया है, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और साथ ही शामिल की है सुर्ख प्याज। ज़रूर करके रख लिया करें घर में, स्पेशली ईद आने वाली है, कोई दावत होती है घर में
तो ज़रूर प्याज को सुर्ख करके रख लिया करें। उससे ये होता है कि खाना जो है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और टाइम सेविंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। या अगर वर्किंग वुमेन हैं तो बहुत अच्छा है कि प्याज आपकी सुर्ख हुई भी मौजूद हो, ताकि कम से कम टाइम में आप अपना खाना जो है वो कर लें तैयार। ऑयल ऊपर आने का करेंगे इंतज़ार, ताकि मसाला हमारा भुन जाए, ऑयल इसमें थोड़ा सा चिकनाई जो है वो ऊपर आ जाए, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पाए और बोंग जो बॉईल करके रख ली है। अच्छा, अगर बोंग शामिल कर रहे हैं बिल्कुल शुरू में शामिल नहीं करनी, वरना ये होगा कि हम बोंग ढूंढते ही रहेंगे कि पाए के साथ जो शामिल की थी तो वो गई कहाँ। पहले आपने पायों को 2 से 3 घंटे बहुत अच्छे से पका लेना है और उसके बाद बोंग शामिल करें, ताकि 1 से 2 घंटे आप बोंग को बनाएं। जितना नॉर्मली मीट जो है हमारा इतना टाइम लेता है 1.5 से 2 घंटा के, वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके साथ फिर आपने बोंग को तैयार करना है। क्योंकि अगर शुरू से शामिल कर देंगे और इतनी ही देर तक बनाएंगे तो जो बोंग है वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बड़े से पॉट में बनाएंगे। जितने भी पाकिस्तानी या देसी खाने हैं मोस्टली बड़े से पॉट में बनते हैं, और जितनी ज़्यादा मिकदार में बनाए जाते हैं उनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। यही वजह है कि पाए भी अगर ज़्यादा मिकदार में बनाएं, बड़े से देगचे में बनाएं, तो बहुत अच्छे बनते हैं। देगी बिरयानी के नाम से बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, कि जो बड़े से पॉट में बनती है, ज़्यादा मिकदार में बनती है, जो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा आता है। तो ये इसमें एक है टेक्निक कि बड़े से पॉट में बनते हैं तो इनका जायका जो है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। सारा मसाला शामिल किया है, भून रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आए, दही हम फेंट चुके हैं। पाए और दही साथ में शामिल करेंगे और दही का पानी भी ड्राई होता रहेगा, साथ ही पाए जो हैं वो मसाला बहुत अच्छा सा जब्स कर लेंगे। और किसी पानी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दही का अपना पानी रिलीज़ होगा और उसके साथ साथ पाए जो हैं वो भुनते रहेंगे। जब दही का पानी बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा, उसके बाद हम लास्ट में शामिल करेंगे यखनी, कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। ये चीज़ें हमने इसमें लास्ट में ऐड करनी है। और इसके लवाजमात आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो हम इसके साथ सर्व कर रहे होते हैं, हरा धनिया, साथ ही हरी मिर्चें होती हैं, साथ ही लेमन और अदरक जो है वो सर्व किया जाता है। पिसा हुआ गरम मसाला भी बास फैमिलीज़ में सर्व किया जाता है और बहुत शौक़ से खाते हैं, ऊपर डाल के खाया जाता है, वो बिल्कुल सर्व कर सकती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो पाए के साथ लाजमी तसव्वुर की जाती हैं, और वाकई जब उनके साथ पायों को खाएं तो उसका मज़ा जो है वो दुबारा हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर करके रखनी हैं, और जब भी पाए बनाएं अलग अलग प्यालियों में इसको आपने काट के और फॉइल पेपर से ढक कर रख सकती हैं फ्रिज में, ताकि जब भी आप सर्व करें सुबह में दोपहर में तो आपके पास ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मौजूद हों, और उसके साथ आपने पायों को सर्व करना है। ऑयल आ चुका है ऊपर, तो इसमें शामिल कर देते हैं पाए जो कि हमने बॉईल करके रख लिए हैं, और इसमें बोंग भी शामिल है। तमाम पाए शामिल कर देंगे और यखनी रख लेनी है। जब पाए बिल्कुल भुन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, लास्ट में इसकी यखनी जो है वो हमने ऐड कर देनी है, और इसके साथ शामिल करेंगे दही। पाए गले हुए हों तो कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिवाय इसके के मसालों को आपने भूनना होता है। किसी दावत के लिए बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, बहुत अच्छा है अगर आप एक दिन पहले ही पायों को बहुत अच्छे से गला लें, और फिर जिस दिन आपकी दावत हो, आपने पायों को तैयार करना हो, बनाना हो, उस दिन आपने उसका मसाला तैयार किया और आपके पाए जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश तैयार होंगे। और पाए हो गए, निहारी हो गई, इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब ये चंद घंटे गुजर जाते हैं तो इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और डेवलप कर लेते हैं अपना टेस्ट। तो बहुत अच्छा है कि इनको एक दिन पहले बनाएं, ख़ास तौर पर दावतों के लिए। बहुत सारा काम होता है दावतों में, क्रॉकरी वगैरह निकालनी होती है,
डेजर्ट्स हम आपसे कहते हैं कि ज़रूर एक दिन पहले तैयार कर लिया करें, बना लिया करें, आंच इसकी कर देंगे थोड़ी सी तेज़, ताकि जो दही शामिल किया है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए और बबल करने लगे, ताकि उसके बाद उसके रिड्यूस होने का अमल जो है वो शुरू होगा और पायों को भुनने का जो है वो टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा सा भुनेंगे, मसाले में पकेंगे तो बहुत अच्छे से चटपटे से हो जाएंगे, और लास्ट में हमें चंद मिनटों के लिए इसको दम देना होगा यखनी ऐड करने के बाद। उसके बाद तमाम लवाजमात की करेंगे कटिंग, और नान के साथ आपने सर्व कर देना है पायों को, चाहे बड़े के हों या छोटे के हों। इसी रेसिपी के साथ आपने तैयार करने हैं, बनाने हैं। टाइम टेकिंग यकीनन फ़र्क हो सकता है, अगर आप बकरे के पाए बना रही हैं तो वो थोड़े से जल्दी जो हैं वो गल जाएं, लेकिन आपने किसी आटे के साथ या बेसन के साथ आप उसको वॉश कर सकती हैं, बहुत इजीली फिर वो वॉश हो जाते हैं। और ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक के दौरान क्या करेंगे, जो पाए शामिल किए हैं इनको भूनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सारा काम करेंगे वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स, और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं पाया मसाला। रीकैप आपको ज़रूर देंगे, एक अदद चम्मच जो है वो चला लेते हैं। सबसे पहले आपने पायों को बॉईल कर लेना है अदरक लहसुन के साथ, नमक उसमें शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल कीजिएगा, और उसको 6 से 8 घंटे के लिए, बहुत अच्छा है अगर कुकर की जगह किसी पॉट में आपने उसको पका लेना है, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी हड्डियों का जूस निकलेगा, और जब पाए बहुत अच्छे से गल जाएं उससे 1 से 1.5 घंटा पहले उसमें शामिल कर देनी है बोंग, अगर अच्छी लगती है उसके साथ खाना चाहते हैं। पाए और बोंग दोनों गला कर आपने रख लेना है, यखनी अलहदा से रख लेनी है। उसके बाद प्याज फ्राई कर लेनी है आपको 3 अदद बड़ी। घी में शामिल करेंगे अदरक और लहसुन, जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो 1/2 से 1 कप पानी के साथ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके साथ आपने शामिल करना है नमक। तमाम मसाले को बहुत अच्छा सा भून लें, जब ऑयल ऊपर आने लगे तो फिर शामिल कर देंगे उबले हुए पाए और बोंग। साथ ही आपने शामिल कर देना है 3 पाव दही, बहुत अच्छा सा फेंट लें, शामिल कर दें। और उस स्टेज पर इस वक्त हमारे पाए हैं जो कि भुन रहे हैं।